दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक्ट में। दोस्तों, आज मैं जीएसटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम का सलूशन आपको बताने जा रहा हूं। ये जनरली नए लोगों के लिए है जो नील रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा और उसका जो जहाँ से उन्होंने सप्लाई लिया, जिस वेंडर ने उसे सप्लाई दिया, उसने अपने रिटर्न फाइल में अपना उसने जीएसटी फाइल कर दिया, जो कि आपको आईटीसी की तरह मिलना चाहिए। और आपने अगर नील रिटर्न फाइल कर दिया, आईटीसी उस मंथ में नहीं लिया है, तो यहाँ आप क्रेडिट लेजर में आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी आईटीसी बैलेंस नहीं दिखाएगा, जीरो। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। हालांकि आपके सप्लायर ने जीएसटी में फाइल किया है कि उसने आपसे कितना जीएसटी कलेक्ट किया है, लेकिन जब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं लेंगे यहाँ पे आपको बैलेंस नहीं दिखेगा। बहुत लोग ये क्वेश्चन इंटरनेट पे पूछते रहते हैं, लेकिन जो भी सलूशन इंटरनेट पे है वो यही बोलते हैं कि पहले आप आईटीसी बैलेंस देखिए, अगर आईटीसी बैलेंस है तो आप इसे अगले मंथ में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मंथ सितंबर है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जून में एक सप्लाई लिया था, रॉ मटेरियल खरीदा था, जिसका कि सप्लायर ने, वेंडर ने जीएसटी भी फाइल किया था, लेकिन मुझे आईटीसी बैलेंस नहीं मिला क्योंकि मैंने नील रिटर्न फाइल कर दिया था। तो अब इसे कैसे करेक्ट करना है, तो यहाँ आपको डैशबोर्ड पर ले चलता हूँ जहाँ से हम रिटर्न फाइल करते हैं। ये रिटर्न डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जून मंथ में कुछ सप्लाई लिया था, हमारे वेंडर ने जो भी जीएसटी फाइल किया था वो हमें यहाँ दिखेगा GSTR-2A में। तो यहाँ मैं व्यू करके आपको दिखाता हूँ, B2B इनवॉइस यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉम्बे वुड इंडस्ट्रीज ने GSTR फाइल किया था। अगर इसका डिटेल देखें, इनवॉइस नंबर दिखा रहा है, कितना टोटल इनवॉइस कितना था, टैक्सेबल अमाउंट 2800 और उसने GST मुझसे कलेक्ट किया था 252 रुपीज, सेंट्रल टैक्स एंड 252 स्टेट टैक्स, ये जो कि 18% के हिसाब से था, यहाँ 18% दिखा रहा है। लेकिन मैंने जून मंथ में आईटीसी क्लेम नहीं किया और नील रिटर्न फाइल कर दिया, इस वजह से हमें आईटीसी बैलेंस में ये अमाउंट नहीं दिखा रहा है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, अगर मैं अभी करंट मंथ में इसको आईटीसी क्लेम करना है तो कैसे करना है। अभी मैं करंट मंथ में अगस्त का फाइल कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं GSTR-2A देख सकते हैं और यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं व्यू करके दिखा रहा हूँ, अगस्त मंथ में भी मैंने कुछ सप्लाई लिया था फ्लिपकार्ट से, मैंने कुछ सप्लाई लिया था जिसका कि उन्होंने जो मुझसे GST कलेक्ट किया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। उन्होंने GST कलेक्ट किया था 2.66 रुपीज फॉर सेंट्रल टैक्स, 2.66 रुपीज फॉर स्टेट टैक्स। तो ये जो है इसे आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर जाकर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिस मंथ का भी चाहिए। अगर मैं यहाँ से जून का पहले डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने व्यू करके दिखाया था, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड क्लिक करेंगे तो यहाँ दो ऑप्शन है, जेसन फाइल और एक्सेल फाइल। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने नया ऐड किया, एक्सेल फाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 20 मिनट के बाद आपको रिफ्रेश करना है, यहाँ पे एक लिंक आएगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल फाइल। तो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, यहाँ फाइल डाउनलोड हो रहा है। इसी तरह से मैंने अगस्त मंथ का भी आईटीसी का जो भी क्लेम है मुझे देखना है वो मैंने डाउनलोड कर लिया, अगस्त का, जुलाई का भी, अगस्त का भी। चलिए अब GSTR-3B फाइल करते हैं अगस्त मंथ का, करंट मंथ का। अब यहाँ देखते हैं कैसे क्लेम करना है। तो कई लोग ये पूछते हैं कि जो मैंने आईटीसी क्लेम करना मिस कर दिया, जुलाई में भी, जून में मैंने क्लेम नहीं किया, जुलाई में क्लेम नहीं किया, तो अगस्त में कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना, डू वांट, इवन आपका नील रिटर्न फाइल करना, आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं किया है, लेकिन चूंकि आपको आईटीसी क्लेम करना है तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न, आपको यहाँ करना होगा नो, क्योंकि आपने कुछ सेल्स नहीं किया है लेकिन आपको आईटीसी क्लेम करना है। तो अब यहाँ पे बी में देखिए, हैव यू मेड एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, नो, मैंने कुछ सप्लाई नहीं किया, कुछ भी सेल नहीं किया। हैव यू मेड एनी इंटरस्टेट सप्लाई, नो।
डू यू हैव एनी क्लेम यूज़ ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहाँ पे आपको यस करना है। हैव यू रिसीव्ड एनी नील रिलेटेड, चलिए नो कर देते हैं, यहाँ भी नो कर देते हैं, हमारा कोई भी लेट फी नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। तो आपका इवन नील रिटर्न है लेकिन ITC क्लेम करना है पिछले मंथ का या उसके पिछले मंथ का, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, नील फाइल रिटर्न नहीं करना है, बाकी सब कुछ नील कर दीजिए लेकिन ITC में आपको यस करना है। यस करने के बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो आपको यह स्क्रीन आएगा जहाँ आपको दिखाएगा एलिजिबल ITC, यहाँ अभी भी जीरो दिखा रहा है क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया अभी तक। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं दिखता कि कहाँ से क्लिक करना, आपको इसके हेडिंग पे ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये टेबल खुलेगा, आपको यहाँ पर फाइल करना है जो आपको पीछे का ITC था। तो मेरे पास ITC है जून मंथ का और अगस्त मंथ का, तो जो मैंने एक्सेल शीट डाउनलोड किया है मैं वो आपको एक्सेल शीट दिखा दूँ। ये एक्सेल शीट इस तरह से डाउनलोड होगा, आपको इसमें सेकेंड टैब में जाना है B2B। यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने अगस्त में जो फ्लिपकार्ट को टैक्सेस पे किया था 2 रुपीज़ 66 पैसा, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपको सेकंड लाइन कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट लाइन में वो दिखा रहा है कि कितने परसेंट आपने टैक्स पे किया है, या 18% टैक्स पे किया है, इसे छोड़ दीजिए, सेकंड लाइन को कॉपी कीजिए। और जो सेकंड एक्सेल शीट है उसके भी B2B में जाएंगे जो कि जून मंथ का है, यहाँ पर चलिए इसे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इस टैक्सेस को, इन सभी को मैं ऐड कर लेता हूँ। आपको यही डेटा वहाँ पे फिल करना है। तो अभी आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गया 2829, टैक्स अमाउंट हो गया 254। अब यहाँ आपको भरना है ऑल अदर ITC, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, हमने कुछ इंपोर्ट नहीं किया, हमें भरना ऑल अदर ITC। इसमें आपको भरना है तो आपको सेंट्रल टैक्स है 254.66 पैसा, यही सेम अमाउंट आपका स्टेट टैक्स भी होगा। तो आपको अगर जो पिछले मंथ का है, अगस्त मंथ का है, जुलाई मंथ का, जून मंथ का, जिसने जो ये आपने क्लेम नहीं किया, सबको आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ फिल करना है, और इसमें कुछ रिवर्सल नहीं है, रिवर्सल तब होता जब मैं ज़्यादा कर दिया हूँ, ज़्यादा क्लेम कर लिया हूँ। अब यहाँ पर कन्फर्म करते हैं। अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा है एलिजिबल ITC जो भी आपने क्लेम किया है। अभी इसके पहले सेव करना है, सेव कीजिए। इसके बाद आपका नॉर्मल प्रोसीजर हो गया, प्रोसीड टू पेमेंट। आपका कोई टैक्स पेमेंट नहीं है फिर भी आपको प्रोसीड टू पेमेंट करके ऑफसेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ऑफसेट सक्सेसफुल पेमेंट, टैक्स ऑफ पेमेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट करने के बाद वो आपका फाइल हो गया। अब प्रोसीड टू फाइल, अब यहाँ से आप फाइनल फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के लिए आपका जो नॉर्मल तरीका है आप उसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो ईमेल में या मोबाइल में आपका जो OTP आया है वो OTP आपको यहाँ पे डालना है। इसके आगे नॉर्मल प्रोसीजर है, बस वेरीफाई कर देना, आपका हो गया। तो क्वेश्चन यही था कि ITC जो ITC बैलेंस में नहीं दिख रहा है वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि आपने उसे किसी मंथ में क्लेम नहीं किया है। अगर आप क्लेम नहीं किया तो आप पिछले कई महीनों का आप ऐड करके उसे आप क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है या आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जो GST फाइल करने में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो सके। अब यहाँ क्रेडिट लेजर में आप देख सकते हैं ITC बैलेंस, थोड़ा टाइम लगता है इसे अपडेट होने में, तो यहाँ पर आपका बैलेंस आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।